सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि टेंथ के बाद जब बच्चा इलेवेंथ में आता है, उसने कल्पवृक्ष ज्वाइन किया है, 13 आवर्स का स्केड्यूल के लिए ऑप्ट किया है, तो जब उसकी क्लासेस स्टार्ट होती है तो इनिशियल 1 मंथ हम स्टूडेंट का जो स्केड्यूल है वो बहुत कम रखते हैं। 8 to 11 शुरू के 15 डेज होता है, फिर नेक्स्ट 15 डेज 8 to 1 होता है। उसके पीछे पर्पज़ ये होता है कि पहली तो कारण ये होता है कि बच्चा सडनली टेंथ के बाद इलेवेंथ में आया है, आज उसको मैं बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं दे सकती हूँ, अदरवाइज थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं कि इतनी सारी पढ़ाई हमसे होगी नहीं, हम कॉम्पिटेटिव के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो हम उनका स्केड्यूल जो है बहुत धीरे धीरे बढ़ाते हैं। शुरू के 1 महीने तो उनका टाइम 8 to 1 तक होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके फिर से 15 डेज में उनका टाइमिंग हम 2 आवर्स का इंक्रीज़ करते हैं, नेक्स्ट 15 डेज में उनका टाइमिंग हम 2 से 3 आवर्स का इंक्रीज़ करते हैं। ऐसे करते करते 3 महीने का टाइम तो कम से कम लग ही जाता है हमको भी 8 to 9 का स्केड्यूल करने में। जब तक बच्चों का भी अपना एक फ्रेंड सर्कल, एक ग्रुप बन जाता है, सिंस क्या होता है कि पेरेंट्स के लिए ये सोचना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि मैं अगर, मतलब पेरेंट्स बीइंग अ पेरेंट हम सोचें कि मैं अगर अपने बच्चे को 13 घंटे रोज़ घर पे पढ़ने को बोलूं तो वो पॉसिबल है ही नहीं कि बच्चा पढ़ सकता है। लेकिन उस बच्चे को आप अकेले बच्चे को जब घर में एक कमरे में एक टेबल बेंच पर बैठ कर 13 घंटे पढ़ने को बोलेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ पॉसिबल नहीं है कि बच्चा रोज़ इस स्केड्यूल को फॉलो कर सके। लेकिन जब उसी बच्चे को हम उसके आसपास उसके जो फ्रेंड सर्कल है 40 से 50 फ्रेंड्स हैं उसके, उनके साथ बैठ के जब वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करता है, जिनके साथ वो डेली टेस्ट देता है, रेगुलर ब्रेक्स होते हैं, एक अलग ही उनका सर्कल बन जाता है, एक अलग ही एक वो अपने आसपास एक माहौल बना लेते हैं, डेली टेस्ट के बेसिस पे डिस्कशन, किसी फ्रेंड का मैथ्स अच्छा है, किसी का फिजिक्स, किसी का बायो, किसी का केमिस्ट्री, सबके अपने अपने अलग सब्जेक्ट्स अच्छे होते हैं, एक दूसरे को एक्सेल करने के लिए वो पूरी तरीके से इस प्रिपरेशन में इन्वॉल्व रहते हैं कि आज फिजिक्स का टेस्ट है जो मेरा उतना अच्छा जाता नहीं है, मेरे फ्रेंड का अच्छा जाता है, मुझे आज उससे अच्छा परफॉर्म करना है और अच्छा नहीं तो कम से कम मार्क्स का डिफरेंस मुझे कम रखना है, वो एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। तो इसलिए ये इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर आप इमेजिन करें आप ही अपने घर में अगर 10 बच्चों को रोज़ बोले कि बेटा तुमको रोज़ एक साथ जो है सेल्फ स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है, तो वो चीज़ 10 से 20 बच्चे जब आपस में एक साथ करते तो संभव हो पाती है। इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए ऑफकोर्स अकेले बैठना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो 13 घंटे का स्केड्यूल है ये हम लगभग 13 साल से चला रहे हैं, एक सक्सेसफुल तरीके से रन कर रहे हैं जो कि रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर पा रहा है। हज़ारों हज़ारों बच्चे इस स्केड्यूल को फॉलो कर चुके हैं और उनके लिए ये डिफ़िकल्ट इसलिए नहीं रहा है क्योंकि ये जर्नी में उनके बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है जो साथ में प्रिपरेशन करते हैं, तो ये टाइम उनके लिए निकालना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। वो बहुत ईजिली स्केड्यूल को ढल जाते हैं, ऑप्ट कर लेते हैं स्केड्यूल को और बहुत ईजिली जो है प्रिपरेशन करते हैं। इसके और भी दूसरे फ़ायदे होते हैं। जब बच्चा पूरे दिन यहाँ आता है, सिंस आप जब यहाँ आएंगे आपको ये कहा जाएगा कि एंड्रॉयड फ़ोन्स यहाँ अलाउड नहीं होते हैं, तो एंड्रॉयड फ़ोन्स होते ही नहीं हैं। अब बच्चे के लिए कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन के लिए कोई चीज़ यहाँ अवेलेबल नहीं है उसके पास कि वो YouTube या जो भी अदर डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं, उन सब डिस्ट्रैक्शन से वो क्या रहता है, दूर रहता है, वो एक अलग ही दुनिया में इन्वॉल्व रहता है। यहाँ पे उसके डेली टेस्ट और इन सब चीज़ों में वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहता है, तो जो अदर डिस्ट्रैक्शंस होते हैं उससे वो पूरी तरीके से 13 घंटे के लिए हम उसको बचा सकते हैं, उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इससे क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन भी बहुत इजीली हो जाती है बच्चे की, एक उसको प्रॉपर कॉम्पिटिशन हेल्दी एनवायरनमेंट मिल गया, साथ ही साथ जो आजकल के बच्चों की दिक्कत है सोशल नेटवर्किंग साइट्स की, YouTube वेब सीरीज़ जो सब चीज़ों की दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें भी एक हद तक पेरेंट्स के लिए बहुत ईजी हो जाता है कि बच्चा एक अलग माहौल में रहेगा। हमारे इंस्टीट्यूट में स्मार्टफोन्स अलाउड नहीं है जिससे बहुत ईजी हो जाता है हम लोगों के लिए बच्चे को जो है सोशल नेटवर्किंग साइट्स, यूट्यूब वेब सीरीज़ से 13 घंटे के लिए दूर रखना, तो एक लंबा समय हो जाता है, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव में भी वो इन्वॉल्व रहता है, तो वो इन सब चीज़ों से, डिस्ट्रैक्शन से बच जाता है एक बहुत लंबे समय।